नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। जिस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है कि रवि ने 21 जनवरी 2018 को एक साहूकार से 12% की साधारण ब्याज दर से 15,000 रुपये की राशि उधार ली। 28 अगस्त 2018 को अपने कर्ज को चुकता कर दिया। रवि द्वारा दी गई कुल राशि कितनी है? यानी कि कोई व्यक्ति रवि है, उसने कितने रुपए उधार लिए? वो हो जाएगा उसका मूलधन 15,000 रुपये। ठीक है, रेट क्या है? रेट है 12%। ठीक है, टाइम, अब टाइम हम कैसे निकालेंगे? उसने लिए कब है? 21 जनवरी को लिए हैं और चुकता कब किए? 28 अगस्त को। ठीक है, तो इसमें हम टाइम की गणना जब करेंगे तो 21 जनवरी यानी 10 दिन जनवरी के लगेंगे। फरवरी साल क्या है? 2018 है, तो फरवरी 28 की थी, तो 28 फरवरी के, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 28, इतने दिन तक उसने कर्ज लिए रखा। यानी 10 जनवरी के, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के 28 दिन। ठीक है, इन सभी को हम अब जोड़ देंगे। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे? यहाँ 30, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 3 21 और यहाँ पर 1, 2, 3 है और एक यहाँ से 210, 219, यानी टोटल 219 दिन वह पैसे लिए रहा। इसको हम जब वर्ष में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 219 में हम 365 भाग का भाग दे देंगे तो समय हमारा निकल आएगा। अब कुल राशि हमें निकालना है, तो उसके लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी गुड़ा आर गुड़ा टी भागे 100। पी की वैल्यू कितनी है? 15,000। रेट कितना है? 12 है। समय कितना है? 219 भागे 365 और गुड़ा 100। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 5 से काटेंगे, 5 3 15 3,000 आएगा और 5 से इसको काटेंगे, 5 7 35 और 5 3 15 इससे काटेंगे तो यह 3 बार कट जाएगा, 0 0 काटेंगे, ये 2 0 यहाँ पर कट जाएंगे और कुछ बचा? अब कुछ नहीं बचा। क्या बचा? ऊपर 30 बचा, गुणा 12 बचा और 3 बचा, तो 30 3 90 और 12 9 108 यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 1080 सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब हमें निकालना तो अमाउंट है, तो अमाउंट के लिए हम मूलधन में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। मूलधन है 15,000 और 1080 क्या मिला? सिंपल इंटरेस्ट मिला, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 15,16,080। ठीक है, तो जो उसने कुल राशि चुकाई है वह कितनी है? 16,080। ठीक है, इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण था टाइम निकालना। ठीक है, तो टाइम जो डेटें दी हैं हमने उसके बीच का टाइम निकाला है। जनवरी में 21 तारीख को दिया था तो 10 दिन से इस बजे, उसके बाद फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31, उसके बाद अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31 और अगस्त के 28 दिन, इन सबको जोड़ दिया, 219 दिन आ गया। 365 का भाग लगा के उसको वर्ष में कन्वर्ट कर लिया और ठीक है, और सॉल्व कर दिया तो एस आई निकल आया। एस आई को पी में जोड़ दिया तो अमाउंट निकल के आ गया 16,080 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।